खबर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से आ रही है। अपराधी के हौसले किस तरह से बुलंद हो रहे हैं, जो कि बता दें कि गाजियाबाद की खबर बताई जा रही है, जो कि लूट की वारदात को अंजाम दिया। सुबह गाजियाबाद के डसारा क्षेत्र में तीन बदमाशों ने दिन दिहाड़े दो बैंक कर्मचारियों से लूट की घटना को अंजाम दिया गया, मौके पर फरार हो गए। पुलिस इन्हें अभी भी पकड़ने में नाकाम साबित हो रही। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि डसारा पेट्रोल पंप के पास से रुपये लेकर बैंक जा रहे दो कर्मचारी से तीन बदमाशों ने पिस्टल दिखाकर 25 लाख रुपये लूट लिया। जानकारी की पुलिस को मिलते ही पुलिस ने चेकिंग शुरू कर दिया। अब तक आरोपी हाथ में नहीं आया। मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे फुटेज को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। प्राइम बीके न्यूज चैनल के लिए खास रिपोर्ट। चलो। 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 ये एक डायल 100 से 100 नंबर पे सूचना आई थी। अरिहंत सर्विस सेंटर पेट्रोल पंप है। ये अपना गैस सेल का गैस था, उसको बैंक में जमा करवाने के लिए जा रहे। उनसे दो मोटरसाइकिल पे तीन बदमाशों ने ओवरटेक करके और उनसे 25 लाख रुपए जो बता रहे हैं वो बैंक चीज़ लगा। तीन बदमाश बता रहे हैं, दो मोटरसाइकिल थे, एक बाजू और एक स्प्लेंडर थे। इन्होंने बताया कि तीन बदमाश थे, उन्होंने ये पैसा छीन के वापस इसी व्यू पर लेके पीड़ित के साथ फायरिंग भी की है। पीड़ित ने बताया कि 3 राउंड फायर लोगों ने किए हैं बैग चुराने के लिए। जब पीड़ित हैं तो बैग नहीं छोड़ रहे थे, उनको चुराने के लिए 3 राउंड पावर फायर उन्होंने बताया। सर क्या सिस्टम ऐसा हुए कि बदमाश की दिखाई दिए किस तरह के मिल जाता है? कुछ फुटेज आई हैं अभी, बाकी गहराई से दिखाया जा रहा है और फुटेज देखी जा रही है। सभी तरह पर जाँच करके फिर देखने के लिए।